ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी मेरा नाम है। गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में इस वक्त मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ और प्रोफेशन तो मेरा टीचिंग ही है और पिछले 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ लिखने का भी जो है ना वो मुझे शौक़ रहा है और इस वक्त तक 200 से भी ज़ायद मेरी किताबें मतलब है कि छप के मार्केट में आ चुकी हैं। उसमें बहुत सारी किताबें हैं, पोइट्री की बुक्स हैं, नॉवेल है, बच्चों की कहानियां हैं, इंग्लिश पोइट्री की बुक है और टेक्स्ट बुक्स हैं मुख्तलिफ, ख़ास करके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स हैं, सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक्स हैं, कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक्स हैं और जैसे मैंने अभी अर्ज़ की कि एक मेरी इंग्लिश पोइट्री की बुक है अनशेड टीयर्स। आज ये जो अनशेड टीयर्स पोएम है ये हमारी पाकिस्तान के जो आजकल के हालात हैं उस पर लिखी हुई है, ख़ास करके सिंध के हालात पर लिखी हुई है और ये तवील तरीन नज़म है किसी भी पाकिस्तानी शायर की तरफ से आज तक। पाकिस्तान की तारीख में इतनी तवील नज़म पहले कभी मतलब नहीं लिखा गया है। उसमें अनशेड टीयर्स उसका नाम है। हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई के रिसाले की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं कर रहा हूँ जिसमें उनका जो एक सुर है सुर के डारो जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़े पे जो उन्होंने लिखी है वो पूरे का पूरा सुर ट्रांसलेट मैंने कर लिया, वो प्रिंट भी हो चुका है और इसके अलावा एक दो डिक्शनरीज़ भी कंपाइल कर चुका हूँ मैं। कोई बात अभी तक तो नहीं हुई है, ना ही मुझसे किसी ने ऐसे रब्ता किया है और जो भी मेरा काम है, हालांकि इसकी एक्सिबिशन भी हो चुकी है अखबारों में, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन सरकारी तौर पर किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। देखें, अगर सारी चीज़ होती है सपोर्ट की और एप्रिसिएशन की, अगर सरकारी सतह पे मुझसे रब्ता किया जाता है तो मैं इस फील्ड में, लिखने की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में और बुक राइटिंग की फील्ड में डेफिनेटली अभी तक जो मेरा काम है वो मुल्की लेवल का काम है, जिसे आप रीजनल लेवल कह सकते हैं। अगर सरकारी सरपरस्ती हासिल हो तो मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर सकता हूं और जो मेरे अपने लिए और मेरे मुल्क के लिए एक अच्छी बात होगी।